भाई साहब है जो मैंने आपको बताया था गोल्डन रिट्रीवर हाँ जो एट ए टाइम सबसे ज्यादा डिमांड पे चल रहा है और जल्दी मिलता नहीं है। हाँ अच्छा कितने दिन का है ये मेरे पास है जी 38 डेज का 19,000 रुपये 19 से 20,000 रुपये के अप्रोक्सीमेट रहेगी। तो सबसे बेस्ट है टॉय ब्रीड, टॉय ब्रीड में जो सबसे ज्यादा डिमांड में सिडजू ये गोल्डन लैब कितना हेल्थी पप्पी है बिल्कुल खुद कितने दिन का है ये 40 डेज का बस इसका 15,000 रुपये 15,000 रुपये ये आ गया जी हस्की हस्की मेल वाइट में वाइट कलर बिल्कुल ये भी हेल्दी है ये हेल्थी बच्चा है जी कितने दिन का है ये है जी 38 डेज का इसकी ओरिजिनल ब्रीड की ब्लू आइज होती है एक तो ओके जैसे कुछ लोग ओड एज में भी मांगते हैं पर अगर कोई ब्लू आइज में मांगे ये ब्लू आइज और उसके ऊपर ये जो है ये आपको दिख रहा है बिल्कुल ये इसकी पहचान है ओके ये है जी जर्मन शेफर्ड डबल कोट का बच्चा कितने दिन का है ये 40 डेज के 40 डेज का ओडेज ओडेज की जो डिमांड करते हैं ये वाइट कलर में मेरे पास ओडेज में भी ब्लैक इसकी कौन सी भूरी आंख है इसकी ब्लू और ब्लैक कोई डिमांड पे किसी ने मंगवाया था वाइट कलर में अच्छा केयर बहुत कर रखा है आपने केयर तो जी जितनी अच्छी केयर होगी तो बच्चे बीमार नहीं होते ओके और भाई साहब अगर आपका नाम लेके कोई आएगा हाँ तो उसका जितना हो सके उतना जायज मिनिमम 500 रुपये जरूर उससे ऊपर अगर हो सका तो हम जरूर करेंगे। और तो लो जी भाई आप पेट लवर हो और आपको पेट चाहिए भाई सस्ते में चाहिए और आपको जोन सा वीड चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। मैं लेकर आ गया हूँ भाई विकास भाई के पास। हेलो विकास भाई कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। भैया आप पहले तो बताइए कैसे कौन कौन से पेट मिल जाएंगे आपके पास? अपने पास भाई साहब अभी क्या है अप्रोक्सीमेट अपने पास वैसे तो सभी ऑन डिमांड अगर कोई चाहिए ओके अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो टोकन मनी डालने के बाद हम वो भी 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा देते हैं। टोकन मनी का भी हिसाब है तो बता दो कितना टोकन मनी दे लेते वो हो? जैसे डॉग की ब्रीड के हिसाब से जैसे अगर ब्रीड मान के चलो डिमांड है उनकी 50,000 रुपये का अगर कोई डॉग मंगा रहा है ओके तो उसकी मान के चलो 30% की पेमेंट ओके ठीक है ठीक है। तो वो जैसे उसको वीट आपको टोकन मनी दे दिया लेकिन उसको फिर नहीं चाहिए तो वो वापस हो जाता है क्या? नहीं ये वापस नहीं होता ये नहीं होगा क्यों ये हम टोकन मनी हम जैसे डालते हैं ना हम भी अगर किसी कहीं से मंगाते हैं उस बच्चे को तो वो क्या है टोकन मनी हमें उनको भेजनी पड़ेगी ठीक है हम तो उनको फुल पेमेंट करके ही फ्री मांगते हैं। हाइपर एक्टिव ब्रीड ओके ये है बीगल का मेरे पास फीमेल अच्छा मेल फीमेल दोनों ही रहता है आपके पास? हाँ जी। अच्छा डिमांड किसकी ज्यादा रहती है ये बताओ पहले। डिमांड ऐसे है जी वैसे तो मेरा मानना है भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा ठीक है जी ठीक है। और लोग जैसे मेल ज्यादा डिमांड करते हैं हाँ मेल ज्यादा डिमांड करते हैं तो उसमें क्या है हाँ मैं उनको वो होता है भी फीमेल रखने में प्रॉब्लम आती है वो ये सोचते हैं पर फीमेल में मेरा मानना है नुकसान नहीं है प्रॉफिट है ओके कल को अगर हम ब्रीडिंग वगैरह कराएं तो इनको बच्चे हम सोल्ड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भैया बैठ के बात करते हैं क्योंकि है ना सारे वीडियो दिखते भी रहेंगे और काफी अच्छी मतलब वीडियो बन सकती है। तो भैया कौन सा है ये बीगल है भाई साहब हाँ और कितने दिन का है ये मेरे पास होते हैं जी 35 से 45 डेज के बच्चे होते हैं इसकी एज 38 डेज की है और इतने दिन में निकल जाता है ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट निकल जाते हैं 40 डेज के अप्रोक्सीमेट जो बच्चे होते हैं निकल जाते हैं 40-42 डेज के अप्रोक्सीमेट। क्या मतलब प्राइस रहेगा सर इसका? ये फीमेल है सर ये रहेगी 10,000 रुपये की मेल का होगा अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपये 15,000 रुपये का। अगर जैसे कि किसी ने नया नया पेट्स पाल रहा है वो लेना चाहता है उसको पता नहीं है कि इसको क्या खिलाया जाए क्या डाइट दिया जाए तो वो भी गाइड करते वो हम गाइड कर देंगे भाई पूरा गाइड करते हो वो पूरा गाइड करेंगे हम ठीक है। वो बच्चा अगर लेके जाएंगे उसके बाद 2-3 दिन तक अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम गाइड करेंगे ठीक है। दूसरा दिखाओ भैया क्योंकि बहुत है भाई ये देख रहे हो सारे मतलब छोटे उम्र के ही हैं आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको कम डेज के ही मिलने वाले हैं। दूसरा है सर ये गोल्डन लैब कितना हेल्थी पप्पी है बिल्कुल खुद कितने दिन का है ये 40 डेज का है भाई साहब 40 डेज का है ठीक है। ये जैसे ये बच्चा कुछ लोग जैसे गार्ड डॉग में भी सेमी गार्ड डॉग में बिल्कुल यूज करते हैं इसको और मतलब ये इसकी डाइट वाइट क्या रहेगी कुछ अब सब कुछ बताते हो उसको? वो टाइम टू टाइम जो भी है हम जो देते हैं डाइट वो जो भी चाहे कौन सी भी ब्रीड हमसे ले वो डाइट हम बताएंगे। और क्या प्राइस है इसका? प्राइस है भाई साहब 15,000। अच्छा जो जैसे कि शॉप होते हैं पेट शॉप होते हैं जो कि डाइट्स बेचते हैं वो भी पेट्स रखते हैं उनमें और आप में क्या डिफरेंट रहेगा? सर हमारा क्या है हमारे पास जैसे पेट शॉप वालों के पास जाते हैं वो उनका क्या है वो बच्चे हमसे खरीदते हैं ठीक है हमारा होलसेल का रेट होता है हम होलसेलर हैं और हमारे पास ये प्रॉफिट है जो ब्रीड उनको पसंद करनी है हमारे पास ज्यादा ब्रीड होती है
बिल्कुल, वो जो मांगते हैं सिर्फ वही उसी ब्रीड के बच्चे मंगाते हैं पेट शॉप पे। ओके ओके, यानी आप जो भी पेट्स रखते हो साफ सुथरा, मतलब उनका केयर करके रखते हो अच्छे से केयर, ताकि वो दूसरे के पास जाए तो वो बिल्कुल हेल्दी रहे। हाँ, और पेट शॉप पे हम सप्लाई भी करते हैं। अच्छा, आप भी उन्हीं को खरीद के पेट शॉप वाले, जाहिर सी बात है प्राइस भी बहुत कम होने वाले हैं। प्राइस हमारे बिल्कुल जायज से जायज। ठीक है, तो कितना बताया इसका? इसका 15,000 रुपए। 15,000 रुपए, ठीक है। तो भैया उधर भी देख रहे हो, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी भी तो बारी है, तो मुझे भी कैमरे में लाओ। तो लो भाई, अब अगला देखते हैं। चल भाई हट जा, आ जा। ठीक है, ये आ गया जी हस्की। हस्की मेल, व्हाइट में, व्हाइट कलर, बिल्कुल। ये भी हेल्दी है, ये हेल्थी बच्चा है जी। कितने दिन का है ये? है जी 38 डेज का। 38 डेज का, हाँ जी। ओके, इसमें मेरे पास और भी हैं। इसमें जैसे मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ, ये रहा। ओके, अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट कलर में जो मांगते हैं लोग। अभी इसका मैं आपको भाई बड़ा दिखाता हूँ, इतना एक्टिव है, देख रहे हो? ये देखो साइड में आपको जो वीडियो चल रही है ना भाई, अभी अभी उसको हमने नीचे रख रखा है ताकि वो वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। तो देखो कितना एक्टिव है, तो ऐसा ही हो जाएगा वो भी, ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या है, इसकी एक ही पहचान है, इसकी ओरिजिनल ब्रीड की ब्लू आइज होती है एक तो। ओके, जैसे कुछ लोग ओल्ड एज में भी मांगते हैं, पर अगर कोई ब्लू एज में मांगे, ये ब्लू एज और उसके ऊपर ये जो है, ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये इसकी पहचान है। ओके, यानी कोई भी आपका मिक्स नहीं होने वाला है? नहीं नहीं, ब्रीड की हमारी लाइफ टाइम की गारंटी रहेगी, जो बोल के देंगे वही ब्रीड निकलेगी, वही निकलेगी। अगर गोल्डन रिट्रीवर बोला है तो वो लेबरा नहीं निकलेगा, लेबरा बोला है तो वो गोल्डन रिट्रीवर नहीं निकलेगा। यानी मिक्स नहीं होता है? नहीं नहीं, उसकी हमारी गारंटी, उसकी गारंटी होती है। ठीक है, अच्छा, क्या कितने दिन का बताया आपने ये? ये है जी 40 डेज। और क्या प्राइस बताया इसका? इसका 28। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जैसे कि कोई मंगवाना चाहता है यहाँ पर आ नहीं सकता, तो उसके लिए बताइए कैसे रहता है कुरियर का? जैसे वो डिलीवरी पे डिपेंड करता है जी, अगर मेरे एरिया के अंदर है 20 किलोमीटर तक तो डिलीवरी फ्री है जी। ठीक है, अगर उससे एक्स्ट्रा है, अगर वो बोलते हैं अभी 20 किलोमीटर तक हम आ जाते हैं और आप आ जाओ, तो वो टोकन मनी डालेंगे और बच्चा हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, फिर उनके पास जैसे पैट आ जाए तो आपको पूरा पेमेंट दे वो साथ के साथ फुल पेमेंट दे देंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आपने दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी पैट्स हैं यहाँ पर, आपको जोन सी ढूंढोगे वो मिल जाएगा, अगर नहीं भी अवेलेबल है तो ये प्रोवाइड कर देंगे आपको। ये है जी जर्मन शेफर्ड, डबल कोट का बच्चा। कितने दिन का है ये? 40 डेज के। 40 डेज का, यानी आपके पास जितने भी बच्चे सारे हेल्दी है और सारे हेल्दी है, 40 डेज के अप्रोक्सीमेट ही बच्चे मिलेंगे मेरे पास। बिल्कुल, वैक्सीन कितना लगा के रख देते हो आप? नहीं, वैक्सीन क्या होता है 45 डेज से। 45 डेज के अलग लगता है? हाँ। ठीक है, तो मतलब लेते ही हमें वैक्सीन लगाना पड़ेगा? ले जैसे ले लिया, लेने के बाद 2 दिन घर पे एडजस्ट होने में लगता है बच्चे को। बिल्कुल, 2 दिन में एडजस्ट होते ही उसको उसके बाद वैक्सीन करवा लो। वैक्सीन करवा लो, और उसमें भी कुछ रहता है क्या कैटेगरी कि कैसे वैक्सीन करवाना चाहिए, किससे करवाना चाहिए? हाँ, उसमें मेरा ये मानना है बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर देखो, और उसका क्या है, अगर पहले से पहचान का अच्छा डॉक्टर है फिर तो दिक्कत नहीं, फिर तो दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, और कितना बताया इसका प्राइस? इसका 15,000 रुपये मेल का। 15,000 रुपये, अरे सारे प्राइस मतलब मार्केट से बहुत कम होने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद अजी अपने पास आ गया गोल्डन रिट्रीवर। इसका साइज कितना जाता है? इसका साइज भी जैसे हाइट में, अगर टॉय ब्रीड देखे, टॉय ब्रीड से थोड़ा बड़ा होता है इसका, लेब्रा और रिट्रीवर का अप्रोक्सीमेट सेम होता है। और कितने कलर में आ जाएगा ये? ये मान के चलो जी एक लाइट कलर आता है, एक गोल्डन कलर आता है, और दोनों ही मिल जाएगा आपके पास? मिल जाता है। कलर का भी मतलब रहता है, तो लोग जो डिमांड करते हो वो अवेलेबल करवा देते हो आप? हाँ, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस भी डिफरेंट रहता है क्या उसके कलर के हिसाब से? देखो जी प्राइस का क्या है, प्राइस टाइम टू टाइम डिफरेंस होते रहते हैं उनका। मान के चलो 2 से 3,000 रुपए ऊपर नीचे होता रहता हूँ। अच्छा, जैसे कि ये वीडियो आज बना रहे हैं हम, ठीक है, मार्च में बना रहे हैं, और ये वीडियो कोई अप्रैल मई जून में देख रहा है, एट ए टाइम जो रेट होगा अप्रोक्सीमेट मान के चलो उसका कभी कभार 2-3 हज़ार रुपये ऊपर भी हो जाता है, 1,000-2,000 रुपये नीचे भी हो जाता है। ये कौन सा होने वाला? ये गोल्डन रिट्रीवर। और कितने दिन का है ये? 42 डेज का। 42 डेज का, और सारा भाई सभी हेल्दी होने वाला, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा बीमार सा, बिल्कुल। और प्राइस कितना बताया आपने इसका? है जी अप्रोक्सीमेट 18,000। ठीक है, अच्छा ये नेगोशिएबल है, इसमें भी थोड़ा मतलब कम हो सकता है अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर आता है? जरूर भाई साहब, अगर आपका नाम लेके कोई आएगा हाँ, तो उसका जितना हो सके उतना जायज, मिनिमम 500 रुपये जरूर,
उससे ऊपर अगर हो सका तो हम जरूर करेंगे। और बताओ ये लो जी भाई, तो चैनल के दिखाकर भैया को आना। हाँ। और भाई प्राइस से ऊपर भी अगर 500 से ऊपर हो सका तो हम जरूर करेंगे, हमसे जितना हो सके उतना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसमें दिखाता हूँ जी आपको, मैंने जो बोला था ओडेज, ओडेज की जो डिमांड करते हैं, ये व्हाइट कलर में मेरे पास ओडेज में भी है। इसकी कौन सी भूरी आंख है? इसके ब्लू और ब्लैक। अच्छा, कॉम्बो। ये ओडेज बोलते हैं इसको, कुछ जैसे डिमांड पे आते हैं ओडेज के। ओके, तो ये जैसे कोई डिमांड पे किसी ने मंगवाया था व्हाइट कलर में। अच्छा, केयर बहुत कर रखा है आपने। हाँ, केयर तो जी, जितनी अच्छी केयर होगी तो बच्चे बीमार नहीं होते। ओके, अच्छा जितनी अच्छी केयर होगी बच्चे छोटे से ही, छोटे से केयर होती है इनकी, मान के चलो 3 से 4 मंथ के लिए अप्रोक्सीमेट इनकी छोटे बच्चे की तरह केयर होती है। ओके, और मतलब जो डाइट है वो भी आप बताने वाले हो, तो केयर तो और ज्यादा मतलब अच्छा होने वाला है। कितना कितने का होने वाला है ये? ये भी वही सेम जी, अप्रोक्सीमेट 28। हाँ जी। ओके, और ये मैं अगर छोटा सा एक आइडिया लेना चाहता हूँ, ये मैं किसी शॉप से लेता हूँ तो कितने तक का मुझे मिलेगा? ये 30 प्लस होगा जी, 35 भी ले सकते हैं आपसे, 32 भी ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। वो जितना जैसे पेट शॉप पे जाओगे, जिसका जितना नाम चल रहा है, जितने ज्यादा सोल्ड आउट हो गए हैं, वो उसी हिसाब से अपना रेट प्राइस ज्यादा बताएंगे। हमारा ये फिक्स रहेगा, चाहे हमारा जानकार आए चाहे कोई। इसमें व्हाइट में ही आते हैं और भी कलर मिल जाएंगे? ब्लैक एंड व्हाइट हो गया इसमें, कॉपर हो गया इसमें, और व्हाइट हो गया। और इसके जो बाल हैं ये काफी बड़े हो जाते हैं क्या? नहीं, ज्यादा बड़े नहीं होते इनके, इतने ही रहते हैं। हाँ, नहीं वैसे तो समय समय पे कटिंग करवानी पड़ेगी, कटिंग होती है इनकी। हाँ। ग्रूमिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। ये कौन सा होने वाला भैया? ये भाई साहब है जो मैंने आपको बताया था, गोल्डन रिट्रीवर। हाँ, जो एट ए टाइम सबसे ज्यादा डिमांड पे चल रहा है, जल्दी मिलता नहीं है। अच्छा, कितने दिन का है ये? मेरे पास है जी 38 डेज का। 38 डेज का, और क्या आस्किंग है इसकी, क्या डिमांड है इसकी? है सर अप्रोक्सीमेट 19 से 20 हजार रुपए की अप्रोक्सीमेट रहेगी। और इसकी क्या खूबी क्या खासियत है थोड़ा बता दो जिन बच्चों को पता ये नहीं क्या है। सबसे शांत ब्रीड है, अगर घर पे छोटे बच्चे हैं तो भी इस ब्रीड का कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंटरटेनमेंट जैसे जो मूवी आई थी उसमें जो ब्रीड है वो सेम यही ब्रीड है। ओके ओके ओके, और ये गोल्डन कलर है, जो पहले आपको वीडियो में दिखाया था वो लाइट कलर, लाइट कलर था। ठीक है, और 19,000 रुपए फिक्स है या इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा? हो जाएगा सर, जो चैनल का नाम लेकर आएगा उसका जरूर करेंगे सर। ओके ठीक है, ये कौन सा होने वाला भाई साहब? ये जो मैंने आपको बताया था कॉपर कलर वाला। ओके, हस्की का। तो इसका देख सकते हो भाई कितना ये शरारती होता है, साइड में आपको वीडियो चल रहा होगा, यही है, ये छोटे में है वो बड़े में है। तो इसका क्या है प्राइस भैया? इसका भी अप्रोक्सीमेट हस्की का जो भी ब्रीड होगी मेरी अप्रोक्सीमेट 28 ही होगा। ओके, मान के चलो 1 से 2,000 ऊपर नीचे हो सकते। भाई साहब जो सबसे बेस्ट है टॉय ब्रीड, टॉय ब्रीड में जो सबसे ज्यादा डिमांड में सिडजू। ओके, और मतलब कितने दिन का? ये बहुत छोटा लग रहा है ये तो। ये सर छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये है टॉय, जब जिसका नाम ही टॉय है वो ब्रीड छोटी ही होगी। अच्छा, इसकी एज है सर 40 डेज। 40 डेज, बाकी ये लग नहीं रहा है 40 डेज। 40 डेज का लग नहीं रहा। अभी इसकी हाइट कितनी जाती है लगभग? इसकी मान के चलो इतनी हाइट रहेगी, इतनी हाइट रहेगी। छोटे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, इसके बाल ही बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा बाल बढ़ते हैं, आँखों तक जो आ जाते हैं। हाँ, वही वाली ब्रीड। अच्छा अच्छा, अभी भी है भाई। इसकी पहचान ये है जैसे आँखों पे ये देखो गूगल बन रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसकी ये पहचान है कि मिक्स नहीं है? नहीं बिल्कुल। और क्या प्राइस है इसका? इसका सर 15,000। भैया आपने इतने सारे पैट्स दिखाए, पहले तो ये बताइए किसी को स्पेशल डिमांड है कि मेरे को इस नस्ल का पैट चाहिए, वो अवेलेबल करवा देते हो? हाँ जी करवा देते हैं। ओके, कितने दिन का टाइम लेते हो आप उसका? मान के चलो जो एट ए टाइम हम उनसे बात करते हैं तो उस टाइम हम उनको बता देते हैं, अभी हम आधा घंटा घंटा में आपको बताते हैं बात करके भी हम कितने दिन में उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, अगर 2 दिन का बोला है तो 2 दिन में हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा, बीमारी का जैसे देखता हूँ मैं कि आपसे लेते ही वो बीमार हो जाता है, तो उसके लिए क्या रहता है आपका? उसके लिए हमारा ये है जी, हम 24 घंटे की गारंटी लेते हैं, जैसे उसी की हम ये बोलते हैं 24 घंटे लगाओ मत, सात की सात जैसे हमसे ले रहे हो एट ए टाइम उसी टाइम टेस्ट करवाओ। अगर रात को मान के चलो 8 बजे के बाद कोई ले रहा है तो उसको प्रॉब्लम है तो वो सुबह करवा सकता है। बिल्कुल, उसमें 2 बीमारी होती हैं, पारवो और डिस्टेंपर। अगर उनमें से कोई बीमारी है तो बच्चा हम वापसी लेंगे, उनको पेमेंट वापसी लेनी है तो पेमेंट वापसी होगी, नहीं तो बदल के नहीं, अगर बच्चा चेंज करना है तो दूसरा बच्चा दे देंगे। ओके, ऐसा तो भाई मैंने पहली बार सुना कि आप बीमारी भी रहता है तो आप रिटर्न कर दोगे, यानी आप बिल्कुल कस्टमर बनाने वाली बात कर रहे हो भाई साहब। ऐसा है ना, ये फैमिली मेंबर बनाने के लिए लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब वो बच्चा लेगी, पैसे लगा दिए उन्होंने। बिल्कुल, अगर जाते हैं उनके पास वो बच्चा बीमार हो गया
तो उनको दुख होगा, उनको दुख होगा बिल्कुल। तो वही इसीलिए हम पहले ही उनको बोल देते हैं। अब कुछ क्या है, वो टेस्ट वगैरह करवाते नहीं है, बाद में हमें 3-4 दिन बाद ब्लेम करते हैं जी ये बच्चा बीमार हो गया, पारो डिस्टेंप हो गया। हाँ हाँ। तो उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते, सिर्फ 24 घंटे की लेते हैं। ठीक है, अच्छा एड्रेस बता दो ताकि व्यूवर्स यहाँ पर आ सके। एड्रेस है सर अपना सेक्टर 59 गुरुग्राम, बैरमपुर गाँव नज़दीक अपने है जी VRS। ओके, अच्छा टाइमिंग क्या रहेगा कॉलिंग का, कोई आपको कॉल करके? कॉलिंग का टाइमिंग रहेगा सर अप्रोक्सीमेट मॉर्निंग 7:30 और नाइट को लास्ट होगा जी 10:30। और आने का भी यही टाइम रहेगा? हाँ आने का टाइम यही रहेगा। जैसे टोकन मनी होती है बिल्कुल, अगर वो जैसे उनको वीडियो पे बच्चा पसंद आ गया, वो बोलते हैं भी आज हम नहीं आ सकते, तो टोकन मनी डाल जाते हैं और कल लेके हम खुद लेने के लिए आएंगे। ओके, तो उसके लिए 699। ओके, टोकन मनी डालनी पड़ेगी 699 जी। ओके, यानी पसंद वीडियो कॉलिंग पे पसंद आते ही आपको 699 का टोकन मनी डालना होगा, अगले दिन आके आप पिकअप कर सकते हो। जब वो टोकन मनी हमारे पास आ जाएगा, जो वो बच्चा सिलेक्ट कर रहे हैं वो बच्चा किसी और को हम नहीं देंगे। ओके ओके ओके, पर उसका भी हमारा जो टाइमिंग उनसे बात होगी उतनी टाइम के लिए, अगर उस टाइम में वो ना आए तो वो टोकन मनी भी गई और वो बच्चा भी हम दूसरे को सोल्ड आउट कर देंगे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9677111106। ओके ठीक है सर। अगर दूसरा नंबर है सर मेरे भाई का, उनका नाम है रवि, उनका नंबर है 9050523700।